हेलो एवरीबॉडी, कक्षा नौ गणित में आपका स्वागत है। आज है 14वां दिन और आज हम बहुपद के शून्य पढ़ेंगे। डे 14। तो बहुपद के शून्य, अभी तक हमने बहुपदों के बारे में पढ़ा, ठीक है, शून्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उदाहरण लीजिए, पहले इसे देखिए। ये एक बहुपद लिखा हुआ है, पी एक्स इजल टू 5x³ - 2x² - 3x + -2, ठीक है। तो ये जो बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा? तो अगर आपको किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है, तो आपको देखना पड़ेगा x का वह मान, ठीक है। मान लो x का मान था c, x के उस मान पर, x का यह मान इस पूरे बहुपद में जहाँ जहाँ x है वो रखने पर, अगर आपको शून्य मिल जाए तो समझ लो वह बहुपद का शून्यक है, ठीक है। बहुपद का शून्य क्या होता है? जो चर है उसका वह मान जिससे वो पूरा बहुपद शून्य हो जाए, उसे बोलते हैं बहुपद का शून्यक। आई होप आप समझ गए होंगे। हम विभिन्न विभिन्न, मतलब चर के विभिन्न विभिन्न मानों पर हम बहुपद का विभिन्न विभिन्न मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सर्वत्र x के स्थान पर एक प्रतिस्थापित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमने x की जगह एक रख दिया, तो आपको क्या मिला? x की जगह एक रखोगे तो आपको मिलेगा 4, ठीक है। आपको इतना तो हल करना आना चाहिए। फिर आपने x की जगह शून्य रखा, ठीक है, तो आपको क्या मिला? -2। अब देखो, सोचो, x की जगह शून्य रखा और -2, इससे हमें एक बात पता चली। सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो, एक यहाँ में एक बात पता चली कि शून्य का मतलब शून्य नहीं। देखो यहाँ पे, देखो आपने एक्स का शून्य, एक्स इजल टू शून्य रखा, आपने जीरो रखा, लेकिन आपको बहुपद का मान शून्य नहीं मिला, आपको -2 मिला। तो क्या शून्य शून्य को नहीं? तो इस समय एक बात पता चली कि जरूरी नहीं कि जो आपका जीरो है वो शून्य को, जरूरी नहीं कि जो आपका जीरो नंबर हो वो आपका क्या हो, शून्य को। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ बहुपद के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, उदाहरण देखते फिर आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, शून्य को क्यों। तो उदाहरण तो कह रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स बराबर एक पर आपको पी एक्स का मान ज्ञात करना है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है, बाकी खुद कीजिएगा, ठीक है। ये तो उदाहरण है, खैर इसने कभी लोगे आप। तो कह रहा है पी एक्स इजल टू 5x² - 3x+7। अब कह रहा है एक्स इजल टू 1 पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर एक रख दो, तो p यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 × 1² हो जाएगी, -3 × 1 हो जाएगा, +7। तो आपको पता है 1² कितना होता है? 1 ही होता है। तो 5 - 3 + 7, अब देखो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो, ठीक है, ये हो जाएगा 12 - 3। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आंसर 9। आप चेक कर सकते हो, यही मिलेगा आपको आंसर, ठीक है। एक बार दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है y³ - 4y + √11। अब यहाँ पे कह रहा है 2 रखो y की जगह, तो रख दो 2 × 2³ - 4 × 2 + √11। तो 2³ का मतलब क्या था? मैंने आपको अच्छी तरह समझा रखा है, 2 × 2 × 2, मतलब 2³ गुना। अगर मैंने कहा 2³², मतलब 2 की 10 बार आपस में गुना। तो 3 × 8 - 8 + √11, तो यहाँ से आपको मिला 24 - 8 + √11, यहाँ से आपको मिलेगा 16 + √11। आप चेक कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। बाकी जब आप बहुपद में टी की जगह ए रखोगे तो आपको यह मान मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है, अब बहुपद पी एक्स बराबर x - 1 लीजिए। पी वन क्या है? तो आपने पी वन रखा तो क्या मिला आपको? 0 मिला। तो इसका मतलब जो एक है ना आपका, ये देखो पी एक्स इजल टू x - 1, यहाँ पे आपने पी वन निकाला तो आपको 1 - 1, x की जगह 1 रख दिया आपने, तो आपको क्या मिला? शून्य। तो जो 1 है ना आपका, ये बहुपद का शून्य है। जो आपका एक है ना ये नंबर, ये बहुपद का शून्य है। लिखा हुआ है कि एक बहुपद पी एक्स का एक शून्य है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर x - 2 में अगर आप 2 रखोगे तो आपको शून्य मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिभाषा लिखी दी है इन्होंने, कह रहा व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स का शून्यक ऐसी संख्या सी होती है कि पी सी इज़ इक्वल टू शून्य, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो एक और बात लिखी हुई है इधर, देखो वस्तुतः एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है। अभी कह रहा है कि वस्तुतः एक शून्येतर बहुपद, मतलब जो कॉन्स्टेंट आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है उसका कोई शून्यक नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है, जो आपका
जीरो को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो जो आपकी नंबर्स हुए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हुए जो मैंने आपको बताया था, तो उनका जो शून्य है उनका नहीं होता कोई भी शून्य, परंतु जो जीरो है ना, जो आपका जीरो पॉलिनोमियल मतलब शून्य बहुपद होता है, उसका सभी वास्तविक संख्या है आपका क्या होती है, बहुपद लिखा है। परंतु ये देखो क्या लिखा है, अब प्रश्न उठता है, अरे क्या था ये, अब प्रश्न उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यकों के बारे में क्या कहा जाए। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या आपकी रियल नंबर्स हुई, रियल नंबर्स में क्या आता है आपकी, आपकी आती है, मैंने आपको बता दिया था सभी नंबर्स आते हैं आपके, रैशनल और इरेशनल मिला तो, ठीक है, तो शून्यक होता है, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। वास्तविक संख्या में कौन कौन से आते हैं आपके, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, रैशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, मैंने आपको समझा दिए थे। तो शून्य आप अगर आपसे पूछा जाए, कभी पूछ सकता है ना कोई भी टीचर, कि जो जीरो पॉलिनोमियल है या शून्य बहुपद उसका शून्य क्या होता है, सभी वास्तविक संख्या उसका शून्य होती है, परंतु जो आपका जीरो को छोड़ के जो बाकी नंबर्स हुए उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद, उनका कोई शून्य नहीं होता, ठीक है, ये बात थी शून्य की। हम आगे आते हैं उदाहरण तीन पर। उदाहरण तीन कह रहा है, जांच कीजिए कि माइनस दो और दो बहुपद एक्स प्लस दो का शून्यक है या नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसे पी एक्स मान लो, एक्स प्लस दो को सबसे पहले माइनस दो रखो, तो पी माइनस दो हो जाएगा, जहाँ पे प्लस दो है वहाँ पे माइनस दो रखो, तो आपको ये खत्म खत्म, यहाँ से आपको शून्य मिला, तो ये पता चला कि माइनस दो शून्य है, ठीक है। पर आपने जब दो रखा तो आपको मान क्या मिला, चार मिला, तो दो शून्य के नहीं है, माइनस दो शून्य है, परंतु बहुपद का शून्य नहीं है दो, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उदाहरण चार देखा, तो बहुपद इसका शून्य ज्ञात करना, ठीक है, अगर आपको बहुपद दे दिया, ठीक है, आपको शून्य ज्ञात करना है, आपको कह रहा है पी एक्स इजल टू टू एक्स प्लस वन, तो मतलब आपको x का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिस पर पी एक्स आपका क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले पी एक्स को शून्य के इक्वल रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस वन इजल टू शून्य, तो यहाँ से प्लस का वन उधर जाके माइनस का हो जाता है, मैंने आपको समझा रखा है, ऋणात्मक एक हो गया यहाँ पे, आप देखो दो यहाँ पर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, तो x बराबर माइनस का एक बटा दो, तो ये जो माइनस का एक बटा दो है ये आपका क्या होता है, शून्य, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था शून्य निकालना सिखा दिया मैंने आपको। तो अब एक और बात कही है कि कोई भी अगर आपका रैखिक बहुपद हो जो कि आपका ये लिखा हुआ है एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो या रूप में हो, जहाँ पर ए शून्य नहीं हो, रैखिक बहुपद, ए शून्य क्यों नहीं है, अब देखो यहाँ लिखा एक्स प्लस बी जहाँ पर ए शून्य ना हो, ठीक है, अब देखो क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बताया रैखिक बहुपद में एक्स की जो घात होती है वो कितनी होती है, एक होती है, ठीक है, बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है, तो अगर ए शून्य हो जाएगा तो ये शून्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका अचर, आपका क्या बन जाएगा, अचर बहुपद, ठीक है, इसलिए ए कभी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो अगर आप इसका शून्य निकालना चाहो तो इसको जीरो के इक्वल रखो, किसी का भी शून्य निकालना हो आपको, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना हो उसको जीरो के इक्वल रखो और वहाँ से एक्स का मान निकाल लो, ठीक है, तो आपको शून्य प्राप्त हो जाएगा। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं दिए जाएंगे, आपको रैखिक बहुपद का ही शून्य निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, छोटी क्लास है ना अभी। अब एक और बात कही है इसने कि जो रैखिक बहुपद, देखिए चल गया, रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, ठीक है, याद रखना कि जो रैखिक बहुपद है उसका केवल एक ही शून्यक होगा। अब उदाहरण पाँच देखते हैं। उदाहरण पाँच कह रहा है कि आपसे सत्यापित कीजिए दो व शून्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के शून्य के, तो आपको क्या रखो पी एक्स इजल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मानो, फिर एक्स की जगह टू रखो, हर जगह टू रख दो यहाँ पे, जहाँ भी जहाँ एक्स है ना वहाँ दो रख दो, तो आपको शून्य मिल जाएगा, जब जीरो रखोगे तब भी शून्य मिलेगा, तो इसका मतलब ये दोनों शून्य का है, ठीक है। अब हमने क्या सीखा, हमने ये बात सीखी, हम सीखने वाली बात देख लेते, तो पहला हमने सीखा आवश्यक नहीं कि बहुपद का शून्यक शून्य हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे x माइनस वन में आपका बहुपद का शून्यक क्या था, वन, ठीक है, क्योंकि वन रखने पर ही आपको शून्य मिल रहा था। हमने सीखा शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, हमने सीखा, क्योंकि अगर मैं कहूँ आपसे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का शून्यक निकालो तो शून्य हो सकता है इसका वो शून्यक, ठीक है। तीसरी बात, प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका रैखिक बहुपद है, इसका आपका शून्यक क्या है, एक है, तो एक ही शून्यक होगा, मतलब ओनली वन। जो चौथी बात थी हमने सीखी वो थी आपकी
एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जो एक बहुपद है उसका एक से अधिक शून्य हो सकता है। जैसे आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के कितने शून्य थे, शून्य और दो, दो शून्य थे इसके। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य मतलब आपके पास कोई बहुपद होगा उसमें आपको देखना है जो आपका चर है, चर का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए वो बहुपद का शून्य कहलाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई हो। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो जाए जल्दबाजी में तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले, प्रश्नावली 2.2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।